लावारिस अवस्था में हैंड ग्रेनेड मिले, पुलिस द्वारा सुरक्षित डिस्पोजल किया गया। दरअसल गत रात्रि लगभग 10:30 बजे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अश्वित यादव को स्थानीय संघ कार्यालय जिला भिंड से सूचना प्राप्त हुई कि संघ परिसर के खाली ग्राउंड में एक तरफ हैंड ग्रेनेड जैसी संरचना रखी हुई है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को उक्त स्थान पर पहुंचाने हेतु निर्देश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं उस स्थान पर पहुंचे जहां से सूचना आई थी। प्रवीण सिंह चौहान द्वारा दूर से देखने पर उक्त संरचना हैंड ग्रेनेड जैसी दिखाई दी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय डॉग स्क्वाड तथा VDDS टीम मुरैना को सूचित किया गया। इस पर VDDS टीम मुरैना ने शीघ्र ही पहुंचकर उक्त ग्रेनेड का परीक्षण कर उसे 30-35 वर्ष पुराना तथा जीर्ण हालत में होना बताया, जिसकी बाहरी परत खराब दिख रही थी, जिसे सेंट बोरी में प्रोटोकॉल अनुसार कार्रवाई की जा रही है। घटनाक्रम के संबंध में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा जायजा लेने पर पता चला कि संघ कार्यालय के परिसर में समतलीकरण के लिए 2-3 वर्ष पूर्व स्थानीय ग्राम डीडी जहां पर भिंड जिले की पुरानी फायरिंग रेंज हुआ करती थी, वहां से गिट्टी लाई गई थी, जो कार्यालय के सामने बने खाली मैदान में फैलाई हुई है। 2 दिन पूर्व स्थानीय मोहल्ले के बच्चे जो उस परिसर में खेलने आते थे, उन्हें मिट्टी में ग्रेनेड मिला था, जिसे संघ कार्यालय में तत्समय उपस्थित राममोहन पुत्र शिव नरेश भदौरिया निवासी ग्राम बिरगवा थाना पवई के द्वारा इसे यथास्थान पर मैदान में ही किनारे पर रखवा दिया तथा अपने वरिष्ठ जनों के माध्यम से पुलिस को रात्रि में सूचना दी गई, जिस पर से पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए किसी भी अफवाह को विराम देते हुए सक्षम एवं उपयुक्त कार्रवाई की गई। नेट जैसा बम प्राप्त होता है, क्या है पूरा माजरा? कर देखिए, कल करीब 10:15-10:30 के आसपास मुझे सूचना मिली इस संबंध में, तो वहाँ पे मैं पहुँचा तुरंत। वहाँ पे थाना प्रभारी और हमारे CSP साहब पहुँचे, तो वहाँ पे उस समय देखा कि एक ग्रेनेड की शेप का एक चीज़ दिखी हमें, तो उसको हमने वहाँ पे तुरंत ही जो VDDS की टीम है उसको बुलवाया। उस टीम ने उसका परीक्षण किया और पाया कि ये काफ़ी पुराना है, जंग लगा हुआ है, जीर्ण शीर्ण हालत में है, और उसकी जो ऊपर की परत है वो भी हटी हुई थी। तो उसके बाद जो VDDS की टीम है उसको अपने साथ ले गई और उसने प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करी। थोड़ा सा और छानबीन करने पे पता चला कि जो परिसर है वहाँ पे समतलीकरण के लिए मिट्टी पड़ी थी अभी 2-3 साल पहले, तो ये मिट्टी जो हमारा डीडी क्षेत्र है वहाँ से आई थी। जो डीडी में है, जैसे आपको बताया, पुरानी पुलिस की और बटालियन की जो फायरिंग रेंज रही है वहाँ पे, तो संभवतः जो इसी में कोई पुराना रह गया होगा, तो वो चीज़ शेल आ गया था। अभी यहाँ पे संघ कार्यालय के जो सामने जो परिसर है वहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनको एक गेंद रूपी चीज़ दिखाई दी, तो एक आधे वो खेलते रहे, तो क्योंकि मिट्टी में था, फिर उसको धोआ तो बाद में दिखा। उसके बाद जैसे ही हम लोग को सूचना मिली है तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करी है। सर, कितना पुराना हो सकता है, क्या इसकी डेंटिसिटी रही? देखिए, पुराना जैसे वो बता रहे हैं कि अभी पुराना 25-30 साल तो बता ही रहे, उससे ज़्यादा ही पुराना हो सकता है। सर, डिसेंज के लिए कहाँ भेजा गया है ये? अभी तो इसमें ये जो अपना हमारी ये VDDS टीम होती है प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करती है। सर, किसने सबसे पहले इस बम को डिफ्यूज करने के लिए वहाँ से उठाया स्थान से? नहीं, वो तो VDDS की टीम आई, उसने प्रोटोकॉल के हिसाब से। सर, सूचनाकर्ता कौन रहा इसमें? ये सूचनाकर्ता, मुझे फ़ोन आया था वहाँ पे कार्यालय से ही, फ़ोन आया था मुझे, तो उसके बाद हमने रिस्पॉन्स किया। सबसे पहले सर देखा किसने इस? मैं वहाँ पे ही एक जो बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने कार्यालय में ही एक व्यक्ति काम करता है, शिव नरेश, राममोहन पुत्र शिव नरेश, तो उसे सबसे पहले इसको देखा, जो मिट्टी से ढका हुआ था उसने धोया इसको, क्योंकि बच्चे तो इसको गेंद समझ के खेल रहे थे, और उसके बाद उसको डाउट हुआ, तब उसने अपने वरिष्ठों को बताया। सर, संघ कार्यालय से किसी कोई बड़ा पदाधिकारी वहाँ मौजूद हो जिसने आपको सूचना की हो और ये बड़ी? नहीं, आप बताया ना, हमारे पास वरिष्ठ लेवल से सूचना थी। सर, उस वक्त संघ कार्यालय में कोई पदाधिकारी था संघ का कोई बड़ा? नहीं, वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक भी थे और पदाधिकारी भी थे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।